सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जेंट्स अंडरवियर की कटिंग बताएंगे और इसकी स्टिचिंग भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसे नेकर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसकी कटिंग करने के लिए हमें दो नाप की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहला हमारा नाप होता लंबाई और दूसरा नाप हमारी जो है हिप। तो दोस्तों, इन दो नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। दोस्तों, इसमें हमारा आराम से निकल आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है हमने इसको। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रब ना करें। तो इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। दोस्तों, हमारे 4 पल्ले हो गए हैं। दोस्तों, हम दोनों पाँचे एक ही साथ में काटेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक ऊपर से मार्क लगाएंगे। ये हमने मार्क लगा लिया है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग 2 इंच का मार्क लगाएंगे। ये हमने 2 इंच का मार्क नेफा जो हमारा बनेगा उसके लिए लगाया हुआ है। अब दोस्तों, हम लोग लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 15 इंच। तो इस तरीके से हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, एक मार्क हम नीचे और लगाएंगे जो हमारी मोहरी फोल्ड होगी। तो हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया हुआ है, इसको सीधा कर लेंगे। तो हम लोग इसको हिप के हिसाब से काट रहे हैं। तो हिप है हमारी 40 इंच। तो 40 का हम लोग 1/4 भाग करेंगे तो हमारा 10 इंच हुआ। तो 10 इंच प्लस हम इसमें 3 इंच और ऐड कर देंगे। इस तरीके से 13 इंच पे हम इसमें निशान लगा लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रब ना करें। आपको कटिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। यदि आपको कटिंग करने में कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है। अब दोस्तों, हम लोग जो आसन का मार्क लगाते हैं ऊपर से 13.5 इंच पे एक मार्क लगा लें और जैसे आपको ज़्यादा लटक रखनी है तो 14 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो हमने 13.5 इंच पे लगाया है। तो हम लोग जांग का निशान लगाएंगे। तो जांग हम रखेंगे 24 इंच। तो इस तरीके से हमने 24 का आधा किया है, 12 इंच पे निशान लगा दिया है। अब दोस्तों, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। इस तरीके से दोस्तों, हमने मार्क लगा लिए हैं, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग चटका लगा लेंगे ये जो हमारे मार्क लगे हुए हैं यहाँ पर। एक मार्क, एक चटका हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमारी इस तरीके से हमारा बॉटम फोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों, ये हमारे पल्लों की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, अब हम इसकी जो मियानी है जिसे रुमाली बोलते हैं वो कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम ले लेंगे।
तो दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा जॉइंट डालना पड़ेगा, तो इसकी हमारी चौड़ाई कम है तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे, इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, चार भाग कर लेंगे हम इसके। दोस्तों हम लोग बीच में इसमें जॉइंट डालेंगे, जो हमारी मियानी है वो कम चौड़ाई है इसकी कपड़े की, तो इस हिसाब से हम लंबाई रखेंगे इसकी 7 इंच, और इस तरीके से हम लोग रखेंगे इसे 3.5 इंच में। इस तरीके से हम लोग इसे शेप दे देंगे। दोस्तों नीचे भी हम शेप दे देंगे इसको, इसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने म्यानी को कट कर लिया है। अब दोस्तों ये हमारे चार भाग हो गए हैं, अब इसको हम इस तरीके से आपस में ज्वाइंट डाल लेंगे। इस तरीके से हम दो म्यानी कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे नेकर की कटिंग हो गई है। दोस्तों ये जो तरीका है हमने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे आपको।
Thank you.